हेलो नमस्कार फ्रेंड, आपका मोस्ट वेलकम करते हैं हमारे इस चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में आपको तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट टू जूलॉजी ऑनर्स पेपर फोर का सजेशंस देने वाले हैं। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का जो आपका एग्जाम पार्ट टू सेशंस बैच टू 25 के छात्रों देने वाले हैं, इनके लिए ये सजेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपका एग्जाम की दृष्टि से। तो एग्जाम से पहले ही आप तैयारी करने का कोशिश करेंगे, जो कि आप एग्जाम टाइम प्रॉपर तरीके से अच्छा तरीके से तैयारी कर ले और आप अच्छा से एग्ज़ाम दे सके। तो हम पेपर थ्री जूलॉजी ऑनर्स का सजेशंस अपलोड कर दिए। तो पेपर थ्री का सबसे पहले आप जूलॉजी ऑनर्स पार्ट टू सेशंस बैच टू 25 के छात्र वो पेपर का तैयारी कर ले, जो कि हम सजेशंस अपलोड कर दिए हैं। तो मैं आपको आज पेपर फोर का जूलॉजी ऑनर्स का सजेशंस करवाने वाले हैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी सेशंस बैच टू 25 एग्ज़ाम का। तो देखिए, पार्ट टू और पार्ट थ्री दोनों छात्र छात्राओं का मेरा पूरा प्रैक्टिस रहेगा, क्या मार्च का यानी कि फर्स्ट वीक तक कंप्लीट सजेशन प्रोवाइड करने का। तो आप सभी छात्र छात्राओं अभी से ही एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका पार्ट टू का मई में स्टार्ट हो जाएगा और पार्ट थ्री छात्र छात्राओं का एग्ज़ाम अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, आपको पेपर फोर में आप कौन कौन सा आपको क्वेश्चन तैयार करके जाना मैं आपको बताने वाले हैं जूलॉजी ऑनर्स सेशन बैच टू 25 एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। नहीं कि सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको तिलका मांझी का पल पल अप टू डेट और हमारे चैनल पर जो भी सजेशन से संबंधित वीडियो अपलोड हो आपके यूट्यूब नोटिफिकेशन के तहत आपके पास पहुँच सके। तो चलिए, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का द्वारा जूलॉजी ऑनर्स पेपर फोर में जो आपको सबसे पहले क्वेश्चन थ्योरी जो पूछा जाता है वो 75 नंबर का पूछा जाता है। टोटल 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। पेपर थ्री 75 और पेपर फोर 75 150 नंबर का आपका थ्योरी होता है और 25 यानी कि 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जो कि आपका ऑनर्स का एग्ज़ाम होने के बाद लिया जाएगा। और 75 नंबर में आपको सबसे पहले एमसीक्यू पूछा जाता है, जो कि 15 नंबर का होता है। वो आपको मॉडल पेपर या बुक से भी तैयारी कर सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, आखिर आप में आपको कितना पासिंग मार्क, तो पासिंग मार्क आपको 200 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है पेपर यानी कि पार्ट टू जूलॉजी ऑनर्स में, इसमें आपको पासिंग मार्क 90 नंबर लाना नेसेसरी है और वही 60% आपको फर्स्ट मार्क लाना होता है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है, गिव ए कॉम्परेटिव अकाउंट इंट्यूगमेंट फाउंड इन ए एम्फीबिया रिप्टेलिया एंड मेमल। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे द्वारा सेलेक्टेड किया गया है। दो नंबर, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ईग फूड इन वर्टिब्रेट सीरीज एंड द मोड ऑफ अर्ली सेल्वेज। ठीक है, ये दो नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर आपको तैयार करना है जूलॉजी ऑनर्स पेपर फोर में, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑर्गोजेनेसिस ऑफ आई इन चीक एम्ब्रॉय। ठीक है, ये तीन नंबर आपको तैयार करना है। चार नंबर, ट्रेट द डेवलपमेंट ऑफ चीक अप टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है 15 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप यानी कि 4 लॉन्ग क्वेश्चन इससे आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल जाएगा, जो कि 60 नंबर का आपका 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है और 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो अगला 5 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एम्फीबियक्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द सिलोम। छठा नंबर, व्हाट इज प्लेसेंटा, डिस्क्राइब देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट फंक्शन। प्लेसेंटा क्या होता है इसके बारे में बताना है और इसका डिफरेंट टाइप कितने प्रकार की होता है वो आपको दर्शाना होगा। इसके बाद 7 नंबर आपको करना है, गिव एन अकाउंट ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ एरोटिक अर्ची इन वर्टिब्रेट्स। BVI क्वेश्चंस हैं पेपर फोर जूलॉजी ऑनर्स पार्ट टू के लिए। इसके बाद 8 नंबर, व्हाट इज पैथोजेनेसिस टाइप ऑफ पैथोजेनेसिस, यानी कि अनिषेक जनन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप जरूर तैयार करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनेसिस, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनेसिस ऑफ
ब्रेन इन चेक इम्प्रोव, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आपको ये तैयार करना होगा, टोटल 9 क्वेश्चन हैं। इसके बाद आपको शॉर्ट नोट, 3 शॉर्ट नोट पूछा जाता है। इसमें हम फर्स्ट सेलेक्ट किए हैं प्रेजेंट स्टेटस ऑफ क्रोकोडायल, जो कि आपका पार्ट टू एग्जाम के लिए पेपर 4 के लिए BBI कारगर साबित होगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ ईग, अंडे के प्रकार। इसके बाद 3 नंबर करेक्टर्स फीचर ऑफ ABC, ठीक है। पेपर 4 यानी कि शॉर्ट में आपको 5-5 नंबर का बनाना पड़ता है, 3 बनाना पड़ता है। तो तीनों आप तैयार करके जाएंगे, आपको तीनों देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही सेलेक्ट करते हैं। तो आपको पेपर 4 जूलॉजी ऑनर्स में मात्र इतना ही क्वेश्चन तैयार करना है, आपका एग्जाम के लिए ये कारगर साबित होगा। तो सभी छात्र क्वेश्चन को जरूर तैयार करेंगे, ये वीडियो सारे स्टूडेंट में शेयर कर दें जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जूलॉजी ऑनर्स से। तो सभी छात्रों इतना तैयार करें, आपके पास अभी एग्जाम का टाइम के लिए तैयारी करने का समय है। तो सभी छात्र अपने तैयारी करना शुरू कर दे, और जितना भी क्वेश्चन दिए हैं एक एक क्वेश्चन डेली यानी कि तैयार करके याद करने का कोशिश करें, जिससे आपका एग्जाम से पहले आप बेहतर तैयारी कर सके। तो आई होप आज की वीडियो आप समझ गए होंगे। तो वीडियो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों और स्टूडेंट के बीच शेयर कर दें, जिससे इनका भी तैयारी हो सके। तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।